हाई स्कूल में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन की सरासर लापरवाही देखने को मिल रही है। स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक को अपने पद से हटा तो दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एफआईआर नहीं करवाई है। इसे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रबंधक का मकसद सिर्फ आरोपी को बचाना है। अभी जुनवानी मिशनरी स्कूल का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सालेगोरी की घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया है, जहां स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक आनंद छोरे ने अपनी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत अपने हॉस्टल की अधीक्षिका और स्कूल प्रबंधन से की। स्कूल प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी और साथ ही उस आरोपी शिक्षक को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, लेकिन स्कूल प्रबंधन और हॉस्टल की अधीक्षिका द्वारा आरोपी के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं कराई गई है। ये बच्ची के साथ घटना हुई थी, सर को जानकारी दिए मेरे को 1:30 बजे करीब कि बुलवाए मैडम स्कूल तक आइए करके, तो सर बुलवाए फिर मेरे को। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को मालूम चला कि क्या मतलब स्थिति क्या बात है करके, तो थोड़ा सा बेकार तो लगा, मतलब बच्ची के साथ छेड़खानी की। ये आनंद शिक्षक हैं एक हाई स्कूल में, सामूहिक मतलब तुरंत कार्रवाई मतलब प्रतिवेदन बनाया गया स्टाफ स्कूल में ही और बीओ बीआरसी की कार्यालय में जानकारी दी गई। पहले मतलब अपने अधिकारी बीओ कार्यालय में जानकारी अवगत कराए, उसके माध्यम से फिर आगे बच्ची कार्रवाई के लिए मतलब कर रही। कल जो बच्चे ने अवगत कराया सर 1:30 बजे, हमें जैसे छुट्टी हुआ 1:30 की छुट्टी हुई, बच्ची ने मेरे सामने आई और अपनी जो अनंत छुरे के बारे में पूरी खुलासा मेरे पास रखी, तो उस मामले पूरे स्टाफ को बुलाया, उनके समक्ष फिर दोबारा रिपीट करवाई उसी शब्द को। सर वो बच्ची जैसी जैसी बताई थी, वो मतलब हम लोगों को हाथ पकड़ा था शायद, उसके बाद पहले से उनको कुछ हरकतें करती रही, उस दिन तक तो नहीं बताई, लेकिन कल जो है तो लड़की खुलासा बताई है। वहीं इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने कहा कि उन्होंने सालेगोरी स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने उन बच्चियों से बात की। बच्चियों ने उनको बताया कि कैसे स्कूल शिक्षक द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। जिला पंचायत अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर करवाने का वादा किया है। साथ ही इस पूरे मामले पर समनापुर बीईओ ने कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा इस घटना की जानकारी दी गई थी, छात्राओं की मांग पर आरोपी शिक्षक का अन्य जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। कि वहाँ पे जो माध्यमिक शिक्षक जो है आनंद छोरी के द्वारा जो है कुछ बच्चियों के साथ हरकतें की गई है, उस संबंध में फिर उसकी शिकायत के आधार पे यहाँ से हम लोग जाकर के वहाँ पे जांच किए हैं, और उसके आधार पे जो बच्चियाँ अपने स्टाफ के द्वारा कहा कि इनको तत्काल यहाँ से जो है अन्यत्र कर दें, उसके आधार पर उनको दूसरी जगह किया जा चुका है और उसका जाँच प्रतिवेदन जो है वेस्ट कार्यालय जो है प्रेषित किया जा चुका है। शासकीय हाई स्कूल में मैं आज भ्रमण के दौरान आया तो मुझे जानकारी दी गई, मैंने बच्चियों से भी बात किया, जो यहाँ पे पदस्थ शिक्षक हैं उनके द्वारा एक 9th क्लास की बैगा जनजाति की बालिका है जिसके साथ नाबालिग है, उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ करने का जानकारी बच्ची मेरे को अभी दी, और 9th क्लास में उनके साथ पढ़ रही कम से कम 10-12 बच्चियाँ हैं, सबसे मैंने बात किया, सबने देखा है क्लास में वो हाथ पकड़ने का जो कृत्य किया, ये घोर अन्याय है। हमारे आदिवासी बाहुल क्षेत्र है डिंडोरी ज़िला, और हमारे डिंडोरी ज़िले में आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे डिंडोरी ज़िले की पढ़ रही छोटी छोटी बच्चियां हैं जो आज सुरक्षित नहीं हैं, आज महिलाओं के साथ अन्याय, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज हमारे डिंडोरी ज़िले के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं अभी तत्काल बात किया हूँ सभी स्टाफ से, और अभी ये तत्काल महिला थाने रवाना होने वाली हैं, तत्काल एफआईआर कराएंगे, आज हम देख रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।